रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो अगेन लीड जनरेशन, ठीक है। और लीड जनरेशन कहाँ पे? ज़िलों के ऊपर, कि ज़िलों के ऊपर लीड जनरेशन कैसे करनी है, और कौन सी लीड जनरेशन के बारे में आज की वीडियो? रेंट वाली, ठीक है ना, रेंटल प्रॉपर्टीज़ की, कि आपने रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको कैसे फुल करना है, उनके लिए क्या कौन सा क्राइटेरिया होगा। क्लाइंट आपको अक्सर क्या देता है रेंटल प्रॉपर्टीज़ का, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाने लगा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। बाकी हैं इसकी ज़िलों की है, मेरे जो हैं वीडियोस FSBO पे, एजेंट्स वगैरह पे हैं, तो आपको सारे फिल्टर्स का तो पता है कि किस तरह से लगाने होते हैं। सिंपल, सिटी सेलेक्ट की, सिटी सेलेक्ट करने के बाद फॉर सेल को आपने नहीं करना, आपने फॉर रेंट वाले को दबाना है, ठीक है। फॉर रेंट एक ही इसका फिल्टर है यहाँ पर। आगे चीज़ वही होगी, प्राइस रेंज होगी, कि प्राइस रेंज ही भाई कितने से कितने तक, ज़ीरो से लेके हम कहते हैं 2000 तक इसका रेंट होगा, ठीक है। ये फिल्टर आ गया इसकी जो है रेंट का। बेड बात, कितने बेड, कितने बात, मतलब ये तो जहरी बात कर सकते हैं ना, कितने बेड वाली मुझे प्रॉपर्टी चाहिए यार रेंट के लिए, ठीक है। और बेडरूम, बाथरूम, हाउसेज हमें चाहिए सिंगल फैमिली के, अगर हम सिंगल फैमिली लेना चाह रहे हैं, कंडो में जाना चाह रहे हैं, कंडो, अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज, जो हम सब सेलेक्ट करेंगे, जो फिल्टर सेलेक्ट करेंगे, उस तरह की प्रॉपर्टी सिर्फ आपको शो होंगी, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आ जाती हैं, लॉट साइज, ईयर बिल्ड, ये इसमें भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें वैसे इतनी ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अक्सर होता है क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए होती है कि वो आपसे कहता है कि मुझे निकाल के दो रेंट वाली, रेंट टू ओन कह देते हैं, कि रेंट हम रेंट पे लेंगे लेकिन हम आपको किस्तों में दे के हम आपसे बाद में परचेज़ भी कर लेंगे, ये चीज़ भी कर लेते हैं अक्सर जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं। सो ये रेंटल प्रॉपर्टीज़ का सिंपल सा क्राइटेरिया, ठीक है। वीडियो पूरी देख लिया करो अगर यार ट्रेनिंग लेनी होती है, ठीक है ना। और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर जाओ और बेल नोटिफिकेशन को जो ऑन कर दो, अगर ट्रेनिंग चाहिए, अगर इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए डिटेल फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, ठीक हो गया। अब इसका तरीकाकार भी निकालने का सेम होता है, आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की, अब ये 1200 पर मंथ पे जो है कर रहे हैं लिस्ट, उन्होंने कहा कि 1200 मैं पर मंथ लूँगा और प्रॉपर्टी जो है वो आपको रेंट पे दूंगा। इसका एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इनका शीट सेम तरीके से बनती है, मैंने वो पहली शीट बनाई थी जो लास्ट मैंने वही ओपन की हुई है। एड्रेस डाल दिया मैं आपके सामने, ज़रा डाल रहा हूँ स्ट्रीट एड्रेस, देन सिटी स्टेट, और ये ज़रा जिप डाल देते हैं यहाँ पे। बाकी जो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो रिटर्न में है, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लेनी, ओक्लाहोमा सिटी और ओके। अब इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या है, $1200 जो है इसकी लिस्टिंग प्राइस है। ये हमने यहाँ पे लिस्ट प्राइस कर दी। स्क्वेयर फुटेज कितना है इस प्रॉपर्टी का वो भी देख लेते हैं, 1106 है, और तीन एक बेडरूम बाथरूम 3-1 है, ठीक है ना, यानी कि तीन बेड है, वन बाथ है। और जेस्टिमेट इसका कितना आ रहा है, ज़िलो जेस्टिमेट, इसका जेस्टिमेट ही 950 पर मंथ, यानी कि जिस एरिया में ये कर रहा है, लिस्ट इसने की हुई है, वहाँ पर तकरीबन 950 चल रहा है, ठीक है। दूसरी डेज ऑन ज़िलो कितने हैं जी इसके, डेज ऑन ज़िलो, ये लिस्टिंग एजेंट भी आ रहा है यहाँ पे, लिस्टिंग एजेंट जी फलाना फलाना, ठीक है। डेज ऑन ज़िलो दूर चला गया यार, टुडे इसने आज ही किया ना, तो वन डे, तो इसका भी वन डे लास्ट जैसे हमने उसका किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ लिस्टिंग टाइप, ठीक है, लिस्टिंग टाइप बनाई थी, तो पिछली हमने निकाली थी FSBO वाली। अब ये जो निकाली है ये कौन सी है, रेंट, ठीक है, या रेंटल, इसको रेंटल भी कहा जाता है, इसको रेंट वाली भी, रेंट भी कहा जाता है, रेंट वाली प्रॉपर्टी है, रेंट वाली लिस्टिंग है, या रेंटल लिस्टिंग है, ठीक है। ये एक कॉलम आपने ऐड करना, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे रेंटल भी चाहिए, मुझे FSBO भी चाहिए, मुझे एजेंट्स वाली भी चाहिए, तो सिंपली आप लिस्टिंग टाइप का कॉलम ऐड करेंगे। कॉलम ऐड करने के बाद आप उसके अंदर रेंटल, FSBO, एजेंट, जो भी होगी वो आप लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, मॉर्गेज वाली है, जो भी है वो आप ऐड करते जाएंगे, सिंपल सा क्राइटेरिया। दूसरी चीज़, अब इसका अगला स्टेप जो होता है, जैसे आप लोग जानते हैं, आपने क्या करना है, काउंटी असेसर पे जाना है, वहाँ जाके उसका निकालनी है ओनर इन्फॉर्मेशन, मींस इस मकान का मालिक कौन है, मालिक के बाद उसका मेलिंग एड्रेस क्या है, मेलिंग एड्रेस के बाद उसके हमने स्क्रिप्टेशन करनी है, फ़ोन नंबर, ईमेल निकालने हैं, फिर उस पर क्लाइंट जो कॉलिंग करेगा या टेक्स्ट कंप्लेन चलाएगा या ईमेल ब्लास्ट करेगा, जो भी करेगा उसकी सर्विस आपने लीड जनरेशन इस तरह से करके देनी है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह वीडियो की समझ आई होगी, कुछ चीज़ें समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।